लाख है लाख हमारी जय किसानी पहले है। जैसे जे धान गेहूँ भराई हो या मूंग हो कोई सी फसल हो ऐसी फसल जो हमारी भी है जाए तो हम आज से नहीं पूर्वजों से करत आ रहे हैं आज से नहीं पूर्वजों से। केड़िया लक्का मध्य भारत में पाए जाने वाला ऐसा कीट है जो पोषक वृक्षों से रस चूसकर अपना पोषण करती हैं और साथ ही खुद की और अपने अंडों के बचाव के लिए एक विशेष राल उगलती है। लाखों की संख्या में कीट राल की एक मोटी परत से पेड़ की शाखाओं को ढक देती है। इस सूखे राल को लाख कहते हैं। इसी राल को कई प्रसंस्करण द्वारा परिष्करण कर बहुमूल्य शिलैक का निर्माण किया जाता है। यूं तो प्राकृतिक रंग और लकड़ी पॉलिश के लिए लाख की प्रसिद्धि विश्व भर में थी पर इसकी व्यापार में विपुल तेजी औद्योगिक क्रांति के बाद में आई। अब लाख का इस्तेमाल एक प्राकृतिक प्लास्टिक पदार्थ के रूप में किया जा रहा था। सन 1887 में ग्रामाफोन के आविष्कार के साथ ग्रामाफोन रिकॉर्ड या शेलैक डिस्क के उत्पादन के लिए लाख की मांग में निरंतर बढ़ोतरी होती गई। इन्हीं दिनों मध्य प्रदेश के रिया रियासत के शासक भारी मात्रा में लाख का व्यापार कर रहे थे। सन 1903 में राजा ने रीवा शिलैक फैक्ट्री का स्थापना किया। इस फैक्ट्री में 40 से अधिक भट्टियां थीं और शताधिक श्रमिक सुबह शाम काम करते थे। रीवा राज्य का लगभग 75% राजस्व लाख के व्यापार से था। राज्य के सभी कुसुम और पलाश पेड़ों का स्वामित्व सरकार का था। पूरे राज्य से लाख का संग्रहण संगठित तरीके से लाख मुकद्दम और लाख मुहर्रे द्वारा किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाख की मांग में भारी गिरावट आई। कारण था प्लास्टिक और विनाइल का आविष्कार। सन 1960 में रीवा शिलैक फैक्ट्री बंद हुआ और लाख का व्यापार थम सा गया। पर लाख की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लाख के अपार उपयोगिता के कारण कई आधुनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल होने लगा और 90 के दशक तक लाख के अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिर से वृद्धि आई। सन 2000 में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ के माध्यम से लाख की खेती को बढ़ावा दिया। उद्देश्य था वनवासियों के लिए एक सतत आजीविका का प्रबंध और वन संरक्षण। लाख उत्पादन को लोकप्रिय बनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कई अनुकूल नीतियों की शुरुआत की। राज्य के भीतर लाख का निःशुल्क परिवहन के लिए ट्रांजिट पास रद्द कर दी गई। वनवासियों को वन क्षेत्रों के पोषक पेड़ों पर लाख उत्पादन की अनुमति दी गई। स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक और राजस्व भूमि पर लाख उत्पादन की अनुमति दी गई। वित्तीय संबल के लिए मौजूदा निधियों का एकाकीकरण किया गया। कई लाख प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की गई और लाख उत्पादकों को संस्थागत रूप से सम्मिलित और सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर मोनी थॉमस ने 1990 में लाख की खेती का सफल प्रदर्शन किया था। इन्हीं की अगुवाई में मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के सभी संभावित क्षेत्रों में लाख की खेती का विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। हमारे जो डॉक्टर मोनी थॉमस जी हैं, उन्हें ये लगा कि यार ये जो जगह है पगारा 680B जिस कंपाउंड में हम लाख लगा रहे हैं, तो उनको यहाँ का पलसे में क्वालिटी नजर आई। उनने फिर हमको बोले कि हम लोग काम करोगे लाख की, ठीक है। तो कैसे करना पड़ा, ट्रेनिंग देने जाना पड़े यार। तो एक गाड़ी वो उन्होंने करके पहुँचाया साहब। ये क्या दिखा रहे हो? रांची हम गए थे। इसके बाद हम लोग रांची पहुंचे साहब, उनका बताने का तरीका वो हमें जमा सर। तो वो उससे जब हम सीख के आए तब इसके बाद अच्छी फसल उपज हमको मिली सर लाख का। हमें जानकारी हुई कीड़े में किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कीड़े होते हैं, कीड़े में कितने प्रकार की दवाई छींचना चाहिए और कीड़े का नाम क्या है,
मतलब ये सारी चीजें सर वहां से हम लोग सीख किया, और इसके बाद दूसरी जो हमने समूह बनाया सर, 12-13 समूह बनाया है सर, उनमें भी जाकर हम लोग उसको ट्रेनिंग दे के सर, और वो लोग भी अच्छी उपज कर रहे हैं सर। हम बिहन लाख लगाने से पहले पेड़ों की काट छांट करते हैं, उसका भी समय रहता है। जैसे कि मार्च अप्रैल में अपन ने काट छांट की, उसके बाद जून जुलाई तक पेड़ को ऐसे ही रेस्ट लेने दिए, उसमें नई पीका आती है कोमल टहनी। तो जो लाख का कीट है वो कोमल ही टहनियों में बैठता, कड़क वाली में नहीं बैठता, और वहाँ बैठ के वो अपना पूरा भोजन बनाता है। अपन दो शिफ्ट में कटाई छटाई किए ना सर, एक तो अपन ने 1 मार्च से 15 मार्च में की, वो जून जुलाई में लगाए, और जब दूसरी शिफ्ट में अपन ने काट छाट किया है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, तो वो अपन जब ये लाख भी निकलेगी, अब जो अपन ने जून जुलाई में लगाया सब वो अक्टूबर नवंबर में निकलेगी, तो जो अपन ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो काट छाट किया है तो वो अक्टूबर नवंबर में फिर से लग जाएगी। तो ऐसा डबल शिफ्ट में इसको लग, उसमें पत्ते भी नहीं रहना चाहिए, तब उसमें नई टीका आएंगी, है ना, ऐसी सफाई कर दो। स्थानीय मास्टर ट्रेनरों के विशेष प्रशिक्षण द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि सभी ऑपरेशन जैसे पोषक वृक्षों की काट छांट, कीट संचारण, शत्रु कीटों से बचाव व रोकथाम, फसल कटाई और बिहन तैयार करने में हर किसान प्रशिक्षित हो। ये लाख है, इसको अक्टूबर नवंबर में अभी लगाया है और ये जून जुलाई में निकल रही, तो अब इसकी पहचान ऐसी करेंगे कि इससे एक दाना ये है, इसको थोड़ा सा ऐसा दबाए तो ये दरदरा लगने लगता है, इसका मतलब है कि 6-7 दिन बाद कीट इससे बाहर आने वाला है। साथ ही किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिहन लाख उपलब्ध करने के लिए राज्य में 7 बिहन लाख नर्सरी स्थापित की गई। सभी स्वयं सहायता समूहों को आवश्यक उत्पादक सामग्री मुहैया किया गया, जैसे बिहन लाख, 60 मेश का नायलन पाउच, सुतली, कतरनी, फूड स्प्रेयर, प्लास्टिक की बाल्टी आदि। आज मध्य प्रदेश में 20,000 से अधिक लोग लाख की खेती से जुड़े हैं और सालाना लगभग 6,500 मेट्रिक टन लाख उत्पादन कर रहे हैं। लाख की कितनी फायदा, हम जब हम 80 रुपये किलो बेचे हमने बीज वाला लाख, तो हमको बहुत प्रॉफिट हुआ, 1,21,000 का प्रॉफिट अच्छा बचाता है हमको, आगे और हमको ऐसे ही बताया जाएगा तो हम और अच्छा बचत करेंगे और अच्छा प्रॉफिट प्राप्त करेंगे। किसानों को लाख का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सन 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, साथ ही राज्य के सुव्यवस्थित तेंदुपत्ता संग्रहण प्रणाली द्वारा लाख खरीदना शुरू किया। ये आपका है तेंदुपत्ता का कार्ड, ठीक, इसका पैसा खाते में डलेगा, वैसे ही आपका ये लघुन उपज का नाम है, यहाँ लिखेगा संग्रहण केंद्र खामटोला, यहाँ लिखेगा रेट, ये लघुन उपज का नाम, यहाँ लिखेगा 84 लाख, ये जितनी मात्रा लिए वो आपने बेचे वो, और ये कुल राशि, और यहाँ पे दस्तक करके वो आपको दे देगा, मतलब वो माल लेके जाएंगे। हाँ, ये कार्ड लेके जाना और यहाँ पर अपनी दस्तक, उससे जो लेगा उससे दस्तक करवा लेना, बस। होशंगाबाद के बनखेड़ी और सियोनी के जन्मखारी जिले में प्राथमिक लाख प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई। बेरोजगार है, फिर हम लोगों को पंचायत से ये जंगल मिला 2006 में, और फिर ये व्यवसाय शुरू किया। लाख के फसल से वो फसल में अपन बहुत अंतर है, वो कम ही कीमत में जाएगा, और ये जैसे अभी लाख 1 केजी बेचेंगे तो 1 केजी का भी 50-60 रुपया जाते हैं, और धान में जो है वो 50-60 नहीं 8 रुपये किलो बिकता है। खेती में ज्यादा मेहनत लगता है सर, इसमें नहीं लगता, एक बार बस हम लोगों को लागत लगा, हार्वेस्ट तक हमको बीज लाना पड़ा, तो कम से कम 1,00,000 रुपये का बीज मिला थे, इसके बाद हम लोगों को 6-7 लाख का फायदा हो गया। लाख में बहुत फायदा होते हैं जी, जैसे जो अभी छीलेंगे तो लकड़ी हो जाएंगे, जो जलाने में चूल्हे क्या में जाएंगे, और जो पत्ते होते हैं पलाश के पत्ते वो अपने बंदी में फेंकते हैं, धान की फसल होती है वहाँ पर तो खाद ही बनता है।
लाख की खेती से किसानों को आर्थिक लाभ तो हुआ ही, साथ ही राज्य में वन संरक्षण और बहाली के प्रयासों को बल मिला। लाख की खेती करने से दो फायदे हैं, एक तो वन पर्यावरण के ऊपर उसका इतना अच्छा असर होता है कि एक तो पेड़ कटने से बच जाता है, जैसे लाख की कटाई होती है उस समय जो डाली छाटी जाती है उससे जलाव प्राप्त हो जाती है, तो जंगल पे दबाव कम हो जाता है, तो जंगल कटना भी कम हो जाता है। यदि वो एक कुसुम के पेड़ पे लाख की खेती करता है तो कुसुम का पेड़ बहुत बड़ा होता है, एक कुंटल लाख निकलती है उस पर। यदि वो 80 रुपये के जी है आज कुसुम की लाख, एक कुंटल लाख बेच रहा है वो, तो 8,000 रुपये की हो रही, तो वो काहे को दो बल्ली काट के और अपना मेहनत बर्बाद करने जाएगा। हम ही लोग अब क्या करेंगे सर, मजदूर वर्ग गए झाड़े काट लिए, चीर फाड़ के बेच दिए सर, रोज बस जंगल भी की अवैध कटाई होती, पकड़ा रहे भी तो साहब जी अब कछु काम ही नहीं है, क्या कर रहे हैं अब जो लकड़ी तो बेच रहे, तुम ही बताओ कछु। अब जब समूह से जुड़ गए तो अब ये जवाबदारी बन गई, काटना नहीं चाहिए, काटो तो हम काटेंगे। जो अवैध कटाई था सर उसमें तो प्रतिबंध लग गया ना सर, आज देखिए सर आपने घूमा जंगल एक भी ठूट देखा सर, आज लाख नहीं रहती तो 50 ठूट दिख जाते आपको जंगल, जंगल भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा लगता, सुंदर लगता है, तो 4-5 बजे देखिएगा सर इतनी सारी मोर है और जंगल भी सुरक्षित है हर चीज। वही जंगल जो कभी बेरोक टोक कटाई के कारण विनाश पथ पर था आज स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित है। अभी ग्रामीणों ने जैसा आपको बताया कि ये पहले 15-20 लोग इस जंगल में अतिक्रमण किए हुए थे और उनको देख के और कई लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमारे वन समिति बनने के बाद समिति के सदस्यों ने इन सारे अतिक्रमणकारियों को हटाया, और जब वो 15-20 अतिक्रमण कर रहे थे तो ना अतिक्रमणकारियों को कोई फायदा हो रहा था क्योंकि जंगल में कोई खेती ठीक से हो नहीं पाती, उबड़ खाबड़ जमीन रहती है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं, और पूरे गाँव को नुकसान हो रहा। अब क्या हो रहा है कि अतिक्रमण से ही जमीन बच गई, और जहाँ वो 15-20 लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा खेती यहाँ कर रहे थे हो रहा था, उसके तुलना में करीब 125-150-200 लोगों को फ़ायदा हो रहा। अभी तो फिलहाल लाख है, आगे आंवला का इन्होंने वृक्षारोपण किया है तो उससे आंवला से इनको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, बांस इनके पास बहुत है, बांस से इनको फ़ायदा होगा, इसीलिए लोग आके धूप में खड़े यहाँ पर जंगल में। इतने लोगों का जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक नाकेदार इतने बड़े जंगल को कंट्रोल नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में लाख उत्पादन वनवासियों और वन विभाग दोनों के लिए एक फायदेमंद सौदा रहा है। ये पूछना चाहते हैं छिवले की छपाई कर ली है? हाँ सर। कैसा है? बहुत अच्छी उल गई। उल गई? हाँ। तो इससे पहले कभी छटाई करते थे? नहीं सर। कहे? कभी नहीं करे। कभी नहीं के? नहीं। क्यों कर रहे हैं बताइए, क्यों इसमें फायदा है? पहली बार है पर हमारे जे सर जी से हम बूझ करके अपनी काम में अकल दौड़ा आए कि कैसा करना है कैसा लगाना है। चार दिन छटाई, चार दिन लगाई, इसके बाद अपना दूसरा काम, रोजगार भी चले गए। कभी कभी देखना चार जन जाना दो जन जाना घूम घाम के जे चले आ रहे घर। यहाँ पर लाख फैक्ट्री होने से जो गरीब महिलाएं हैं उनको 20 से 25 महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, और 5-6 पुरुष हैं जो लाख धुलाई का काम करते हैं उनको रोजगार मिल जाता है। बाहर जाते थे पहले काम के लिए, तो अब सोच रहे हैं कि हम लाख की खेती कर ले तो हम घर रहे तो हमारे ढोर बच्चियाँ हैं, खेती बाड़ी सबकी देखभाल कर लेंगे इस काम से। अभी हमारे घर के जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना, अच्छा जब सारा चीज फैसिलिटी जो है बच्चों को हम लोग अच्छा थोड़ी बहुत दे सकते हैं। कुछ महिलाओं ने सर अभी 10-15 हर जो मतलब जेवर एवर बनाए सर, कुछ गरीबों को शादी वादी भी की है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे 50,000-60,000 तो एक एक आदमी, हम गाड़ी मोटरसाइकिल भी लेंगे, ऐसे ऐसा हमको अंदर से एक आत्मविश्वास जागा सर, और उस विश्वास से हम सब काम नहीं कर।